उतना लंबा हाथ नहीं है मेरा। ये है लाल चौक। लाल चौक क्यों है ये तो बताओ। यहाँ मौतें हुई है जो जिसके कारण इसका नाम लाल चौक रखा गया था। और यहाँ पे पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते थे पहले। हे गाइस, सो वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नया दिन, नई शुरुआत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो मेरा चैनल। सो और बताओ क्या हाल चाल है। जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि मैं हूँ इस वक्त बालताल बेस कैंप में और हमारी जो अमरनाथ यात्रा है वो बहुत अच्छी रही, आनंद मंगल रही है। जो मेरा जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस था, बहुत बढ़िया रहा। हाँ, वो बात अलग है क्योंकि थकान भरा रहा, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है, ट्रैक करते हुए बंदा थकता ही है, यात्रा करते हुए थकता ही है। और मुझे लगा था ये 12 किलोमीटर है, मुझे लोगों ने बताया था 12 किलोमीटर, लेकिन ये सिर्फ 12 किलोमीटर नहीं है, ये 16 किलोमीटर है। बालताल बेस कैंप से आपको जाना पड़ता है थोड़ा आगे, जहाँ पे आपका आईडी कार्ड चेक होता है, वो है 3 किलोमीटर। उसके बाद है वहाँ से 13 किलोमीटर या 12.5 किलोमीटर लिखा हुआ है बोर्ड पे। लेकिन आपको पता ही है जब आप ट्रैक करते हो, यात्रा करते हो, तो वहाँ पे लिखा होता है कि इतने किलोमीटर बचा है। थोड़ा और ऊपर चलते हो फिर देखते हो उससे ज़्यादा लिखा होता है, मतलब अलग ही लेवल है यार। कभी आओगे तो पता चलेगा आपको। एनीवे, तो हम बिल्कुल रेडी हैं यहाँ से निकलने के लिए। वहाँ सामने ऊपर सामान लोड हो रहा है वापस से और हम जा रहे हैं श्रीनगर वापस से, जहाँ उसी होटल में जा रहे हैं जहाँ पर हम तरसो रुके थे, मतलब यहाँ पे आने से पहले, द ग्रैंड आई डोंट नो क्या नाम था, मुझे नहीं पता वहाँ करना क्या, लेकिन इतना जरूर पता है कि वहाँ पे जाके पहले सबसे पहले नहाना है और व्लॉग एडिट करना है और फ़ोन चार्जिंग पे लगाना है और फिर व्लॉग को अपलोड करना है, क्योंकि वहाँ पे मुझे वाईफाई मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा सिम चल नहीं रहा है, 5 दिन से सिम बंद है। और बाकी सब लोगों ने यहाँ पे सिम ले लिए थे जो पोस्टपेड होते हैं, लेकिन मैंने लिया नहीं। मैंने कहा 3 से 4 दिन के लिए क्या पोस्टपेड सिम लूँ, घर जाके अपलोड कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। और 3-4 दिनों में फ़ोन ज़्यादा फ़ोन किए भी नहीं, पापा को फ़ोन करना था, इनसे फ़ोन लेके कर लिया अभी, हाँ मैं ठीक हूँ ऐसे वैसे। और बाकी सब एक्सपीरियंस जो था वो बिल्कुल ऑल गुड रहा। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर जरूर आना, और लेकिन अगर यात्रा करनी है तो पैदल ही करना। अगर घोड़े पे सोच के आ रहे हो चलूँगा तो फिर मत ही आना भाई, सीधी सी बात है। और यहाँ का जो वेदर है, मैं आपको बता दूँ कि जो वेदर है अभी यहाँ डेट है आज है वो 1 जुलाई 2024, और जो यहाँ का वेदर है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अभी जो मैंने डाली हुई है थोड़ी गर्म वाली है, इसमें मेरे को पसीने आ रहे हैं। तो रात को ठंड होती है वो भी नॉर्मल ठंड होती है, आप हाफ स्लीव्स में भी खड़े होगे ना आपको ठंड महसूस नहीं होगी, इतना लगेगा कि यार थोड़ी थोड़ी ठंडक है, ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। डोंट वरी, ज़्यादा गर्म कपड़े लेने की जरूरत नहीं है। वो लग बात होती है कई बार यहाँ पे वेदर ख़राब हो जाता है, बारिश आ जाती है, तो फिर आपको पता ही है अगर वहाँ पीक पे बारिश होती है, स्नोफॉल होती है, तो ठंड यहाँ नीचे पड़ जाती है, तो उस हिसाब से पैकिंग करके आना। लेकिन अभी मुझे यहाँ बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। अरे यार, वहाँ पे इतने सारे अच्छे से वॉशरूम में आ गए, लोग फिर भी यहाँ पे हग रहे हैं, क्या बोलूँ यार। अब इतनी अच्छी ब्यूटी देखो यार, कितना अच्छा सुंदर व्यू है, देख रहे हो इतना सुंदर व्यू है, और लोग यहाँ पे हग रहे हैं यार। छोड़ो यार, मैं क्या, एनीवे यार, सेट टू लीव। यहाँ मैंने वीडियो शूट करनी थी लेकिन वीडियो शूट कर नहीं सका, क्योंकि मेरा दूसरा फ़ोन है एप्पल का, वो चार्जिंग में लगा हुआ है, 3% चार्जिंग था, क्या बताऊँ। एनीवे, चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं और श्रीनगर पहुँचते हैं और फिर बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं। मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, शाम के बज चुके हैं 6:57 और अब मैं बिल्कुल नहा धो के फ्री हुआ हूँ, और ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने जो शरीर से सारी जो है मिट्टी निचोड़ के फेंक दी है, अब बिल्कुल अच्छा लग रहा है, मेरे को फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है और नए कपड़े डाल के बैठा हूँ आराम से। और अब एक्चुअली पहुँच तो हम 1:30 बजे गए थे, लेकिन हम सब ने फिर ये रूम चेक इन किया। देखो, ये वही रूम है जहाँ पर मैं परसों रहा था, यहाँ पर सोया था गद्दे में, 3 लोग थे। अभी मेरे साथ एक और बंदा है, वो दो मिनट के लिए बाहर गया है और वो सामने वॉशरूम है,
तो हम पहुंच तो 1 बजे गए थे, हम लोग सबको बहुत भूख लग रहा था, तो हमने चेक इन किया, सारा लगेज वगैरह रखा यहाँ पे और फिर हम गए लंच करने के लिए। भाई साहब मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे एक कृष्णा ढाबा करके होगा जो कि बहुत एक सेकंड जो कि बहुत क्राउड होगा वहाँ पे। आ रहा हूँ, कोई ना कोई ना आ जा। तो वही वहाँ पे बहुत क्राउड था, बंद कर तू यार सामने। तो भाई वो एक वो रूम है, ये रूम है, बाकी कुछ लोग नीचे हैं। मैं बता रहा था कि भाई इतना रश था उस होटल पे कृष्णा ढाबा करके, आप ये वाली वीडियो देखो भाई, इतना रश। मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे श्रीनगर में कोई ऐसा ढाबा होगा जहाँ पे इतना रश होगा, लोग बाहर वेटिंग में खड़े हैं अंदर खाना खाने के लिए। और हम जब वहाँ पे अंदर गए थे तो बिल्कुल वो फ्री नहीं था, टेबल कोई भी फ्री नहीं था, लेकिन हम वापस बाहर में आए और साथ ही में एक और ढाबा था वहाँ पर हमने खाना खाया। ये वाला वीडियो देखो, तो उसी के साथ ही में जो ढाबा है यहाँ पर हमने खाना खाया, यहाँ का खाना भी अच्छा था, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको कृष्णा ढाबा के बाहर की वीडियो तो दिखा दी, ठीक है, अब देखो अंदर की स्टोरी क्या चलती है। वहाँ पर जो टेबल पे लोग खा रहे होते हैं ना, और जिनको टेबल चाहिए होता है वो उस टेबल के साथ खड़ जाते हैं, और जैसे ही वो खाने वाले लोग उठते हैं वो लोग फटाफट से टेबल पे बैठ जाते हैं और फिर उनका टेबल हो जाता है वो खाने के लिए। ऐसा होता है, मतलब देख लो कितने लोग वेटिंग में खड़े हैं, कितना फेमस ढाबा है यहाँ श्रीनगर में, और मुझे पता नहीं था तो मैंने देख लिया वो, लेकिन वहाँ का खाना नहीं खाया वो अलग बात है, लेकिन जहाँ मैंने खाना खाया वो भी अच्छा था, नो वरी। तो हम फटाफट से यहाँ पे आ गए रूम पे और फिर हमने नहाया धोया मजे से, वीडियो की एडिटिंग करी और नया व्लॉग डाल दिया फाइनली 2 दिन के बाद। अगर आपने व्लॉग नहीं देखा तो पिछले वाला व्लॉग जाकर देखो, और काफी अच्छा व्लॉग है, 21 मिनट का व्लॉग है जो कि आपको देखे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और हम सब ने ये डिसाइड किया था कि सभी आराम से फ्रेश हो जाएं, नहा धोकर सोना है जितना सोना है, और 6 बजे के करीब हम नीचे रिसेप्शन एरिया पे मिलेंगे और श्रीनगर घूमने जाएंगे, दल लेक के पास या कहीं भी जिसने जहाँ घूमना है घूम सकता है, कोई इशू नहीं। अब रूम पे बैठे क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे ना। एक और बहुत बड़ा इशू कि यहाँ श्रीनगर में बहुत गर्मी है यार, दिन में ऐसा लगता है कि घर के पास ही में रह रहे हैं, 35-40 टेम्परेचर है, हालांकि उतना टेम्परेचर नहीं है लेकिन धूप इतनी देखी है कि ऐसा लगता है कि उतना टेम्परेचर है, समझ रहे बात को, मतलब बहुत गर्मी है दिन में तो पूरा पसीना पसीना हो जाता है बंदा। हम लंच करने गए थे पूरा पसीना हो गया थे, वो तो अच्छी बात है कि मैंने आराम से आके नहाना था, अब मैं फ्री माइंड हूँ। अब शाम के टाइम में थोड़ा सा जो है मौसम सही हो जाएगा और फिर चलते हैं नीचे दल्ले के पास। एक्चुअली मुझे जो पिछले वाला व्लॉग है, मतलब जो व्लॉग मुझे कल डालना है उसकी थोड़ी सी स्टार्टिंग अच्छे से करनी है। यहाँ से व्यू देखा नहीं मैंने कैसे दिखता है, रुको देखता हूँ कैसे है क्या यहाँ पे। ये घर है या होटल पता नहीं मुझे, मुझे तो घर लग रहे हैं, फ्लैट होता ना, बाकी पता नहीं। लकी कादिर गेस्ट हाउस, ये गेस्ट हाउस है और ये भी गेस्ट हाउस ही होगा मे भी। चलो सही है, अभी देखा मैंने, कल परसों रात को आए थे ना, तरसों रात को आए थे तो देख पाए नहीं थे। एनीवे रूम काफ़ी सही है ब्रो, इस रूम का सॉरी इस होटल का जो नाम है द ग्रैंड, फिर भूल गया यार, द ग्रैंड जेलम, इस होटल का जो नाम है ग्रैंड जेलम। अगर बुक करना है तो आ जाना, काफ़ी अच्छा रूम है, एसी वेसी सब लगा होगा, वो कंफर्टेबल है, ठीक है। अब चलते हैं नीचे आराम से और टाइम पास करते हैं, श्रीनगर घूमते हैं। दोबारा बोलो, क्या दोबारा बोलो। श्रीनगर से है रहीम भाई, जो आप देख रहे हैं जिनको, रहीम मुस्तैमद खान। तो ये हमारा श्रीनगर शाम को दिखता है ऐसे, देख लो भाई। और यहाँ हम सभी चलने के लिए तैयार है डल लेक। तो दोस्तों डल लेक का नाम बोल के हमें लाल चौक में घुसा दिया इन्होंने, तो ये है लाल चौक, दोबारा बोलें ये है। आ जाओ आप भी आ जाओ सारे। तो दोस्तों डल लेक के नाम पे लाल चौक में आ गए हम, यहाँ के बाद जाएंगे डल लेक में। देखो सारे धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं, आ जाओ। उतना लंबा हाथ नहीं है मेरा, ये है लाल चौक। लाल चौक क्यों है ये तो बताओ, यहाँ मौतें हुई है जो जिसके कारण इसका नाम लाल चौक रखा गया था, और यहाँ पे पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते थे पहले। सर ने बताया कि यहाँ पे 7-8 साल पहले पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, है ना। और जो यहाँ शूटिंग हुई थी ना कश्मीर फाइल की, वो यहीं पे ही हुई थी, जिसमें कहते थे कि अगला जो मंडी लगेगी इस्लामाबाद में लगेगी। मैंने कश्मीरी फाइल देखी नहीं, कहते बहुत बढ़िया मूवी है देखनी, उसमें कहते थे अगली सब्जी मंडी इस्लामाबाद में लगेगी, पाकिस्तान की करेंसी चलती है। चलिए अब सभी यहाँ पे सेल्फी मारते हैं जो कि आप थंबनेल पे देखोगे, ठीक है। अभी खोलता हूँ ट्राइपॉड, ये है जी लाल चौक, काफी ज्यादा क्राउड है, ऐसा लग रहा है पूरा घूमने का टूरिस्ट यहीं पे आ गया।
वो उस पे लिखा हुआ है, इस पे क्या है, इस पे पड़ा, इस पे डिटेल लिखी हुई है। देखिए डिटेल क्या लिखी है, श्रीनगर स्मार्ट लिमिटेड कॉर्पोरेशन। देखिए बीच में क्या काटा हुआ है, जूम करे तो डिलीट कर। चल तो यार वही बढ़िया है, वही बढ़िया। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं लाल चौक। लाल चौक लाल क्यों है भाई, पूरे 8 बज चुके हैं लेकिन यहाँ पे अंधेरा ही नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है शाम के 7:30 है ना भैया। ये देखो सच में कह रहा हूँ, 8 बजे को सिर्फ 3 मिनट पड़े हैं, 7:57 है और बिल्कुल दिन पड़ा है, अभी देख लो रात ही नहीं हो रही। टाइम देख लो, टाइम सबूत आपके सामने, लेकिन रात हुई नहीं, क्यों वैसे भैया, रीजन क्या हो सकता है? पहाड़ों में लेट होती है। अरे पहाड़ है कहाँ, वैसे तो पहाड़ भी होता हूँ मैं हिमाचल में, वहाँ भी 8 बजे तक रात हो जाती है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा वाला दिन है, यहाँ रात हो ही नहीं रही। तकलीफ पहाड़ी है, गर्मी भी इतनी है। हाँ 30 टेम्परेचर। अभी जा रहे हैं दल लेक, अभी टेम्पो ट्रैवल पता नहीं कहाँ चला गया हमारा, उसको बुलाया फ़ोन करके, यहाँ तक आएगा पता नहीं कब आएगा। ये ऑटो में क्यों बैठ रहे हैं, आया नहीं क्या? बाय। वो तो टेम्पो पे चले गए, समीर कुरैशी क्या हुआ, वो जा रहे हैं होटल जा रहे हैं, वो होटल जा रहे हैं, जाने दो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा वो दोनों, अरे वो ऐसे पार करते हैं ना इंडिया में, ऐसे ऐसे हाथ रख के, याद है, याद है सर, हो जाए एक बार ट्राई हो जाए, ऐसे हाथ रख के ट्राई हो जाए, पक्का दो। गाड़ी है कहा, गाड़ी तो है नहीं, गाड़ी तो हो तो कर रहे ना ऐसे, क्या है यार भैया, अच्छा गाड़ी का तो नाम भी नहीं लिया आपने, गाड़ी का तो अपना नाम नहीं। ये यहाँ पे खड़ा है, हम वहां ढूंढ रहे हैं भाई, दल लेक जाने के लिए बहुत ट्रैफिक है भाई, बहुत ट्रैफिक है, हम सब ने अपना प्लान चेंज कर लिया है, वापस चलते हैं, कौन उतरेगा भाई, देखो कितना हो, काफी लंबा जाम है, काफी लंबा जाम है यार, कौन बैठ रहेगा यहाँ भी, लोग हॉर्न मारते हैं, हमारे चंडीगढ़ में मार के दिखाएं। यू टर्न ले लिया, प्लान कैंसिल, बाय बाय दल लेक। अरे देखी हुई है दल लेक, दल लेक मैंने देखी हुई है भाई, लद्दाख से आते तब रुका था, हाउस बोट होते हमारे, होटल में। एक्चुअली रीजन ये है कि देखो उन्होंने बताया था कि हम दल लेक जा रहे हैं और मेरे को शूट करना था अपने ब्लॉग के लिए, लेकिन वो पहले लाल चौक ले गए और दल लेक बाद में लेके जा रहे थे, यानी कि रात के टाइम, लेकिन वो शूट रात के टाइम हो ना पाता, तो इसलिए मेरे को दल लेक नहीं जाना, तो बाकी सब जिनको जाना था वो उतर गए थे और मैं अपने रूम पे आ गया। अब मेरा जो रीज़न था वहाँ जाने का वो मेन था कि शूट करना, लेकिन रात को शूट नहीं होता, मेरे को दिन चाहिए था ब्रो, अब मेरे को कल व्लॉग में डालना है, मेरे पास शूट करने के लिए कोई फुटेज ही नहीं है, अब मैं कल व्लॉग कैसे डालूंगा यार, ये भी प्रॉब्लम है। वो पहले ये लाल वहाँ लाल चौक ले गए जहाँ मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं थी, अब क्या बोलें यार, अब वो शूट सोचना पड़ेगा कैसे कैसे करना है। मैंने कुछ अलग तरीके थीम सोची थी कि उसको स्टार्टिंग में डालूंगा, लेकिन अब मैं डाल नहीं सकता उसको क्योंकि मैं दल ले गया ही नहीं, अब कोई और सिस्टम देखना पड़ेगा वीडियो शूट करने का। क्या यार दल लेक शाम को जाना था, दिन के टाइम मेरे को शूट करना था। ये देखो भाई इतने सारे रूम है, अब बोलने को कुछ बाकी बचा ही नहीं, अब बोलने को कुछ बाकी बचा ही नहीं, अब हम कुछ बोल नहीं सकते, मूड खराब कर दिया मेरा। कितना मैंने दिमाग में सोच रखा था कि भाई मेरे को ये थीम रखना है, अब मैं दल लेक जाऊंगा शाम को, इस तरीके से व्लॉग स्टार्ट करूंगा, मतलब कल के जो व्लॉग में शूट फुटेज डालनी थी, लेकिन अब मैं डाल नहीं पाऊंगा, वो लिफ्ट पे चलते हैं। ऑल राइट भाई, तो रात के 11 बज चुके हैं, डिनर कर लिया हमने, अब टाइम है सोने का और सुबह 4 बजे उठना है और यहाँ से निकलना है ब्रो। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, थैंक यू सो मच, अगर आपने इस व्लॉग को पूरा देखा है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर और कमेंट कर देना, राधे राधे और हर हर महादेव, जो आपका दिल चाहता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, गुड नाइट, एंजॉय योर लाइफ, राधे राधे।